कक्षा 3 विषय पर्यावरण पाठ 6। देखो जंगल अजब निराला। एक छोटी सी कविता है। देखो जंगल अजब निराला, पर्यावरण का यह रखवाला। हाथी चीता शेर वगैरह, काग कपोत बटेर का फेरा। अलग अलग है इनकी बोली, न्यारी न्यारी है इनकी टोली। बालू सियार हिरन व घोड़ा, चिड़िया मैना शुक कंठफोड़ा। अलग अलग है इनके रंग, अजब अनूठे इनके ढंग। सांप छछुंदर मगर छिपकली, मच्छर चींटी मक्खी तितली। अलग अलग है इनकी चाल, जंगल में करते कमाल धमाल। देखो जंगल अजब निराला, पर्यावरण का यह रखवाला। जानवरों का संसार बहुत बड़ा है, इनमें कई विशाल तो कई छोटे जानवर हैं, जो जल थल व नभ में पाए जाती हैं। प्रत्येक के रूप रंग व आकार अलग अलग होता है। जल यानी कि जो पानी में पाए जाते हैं जानवर, जैसे कि मछली मगरमच्छ। थल यानी कि जो जमीन भूमि पर पाए जाते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी। नव यानी कि जो आकाश में उड़ते हैं, चिड़िया तोता, वो नवचर होते हैं। ये 3 प्रकार के जीव जंतु बताए गए हैं। जीव जंतुओं का भोजन, इन जीव जंतुओं का भोजन क्या है, ये क्या क्या खाती हैं। वे जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में काम में लेते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। यानी कि जो पेड़ों की पत्तियाँ घास फूस ये खाती हैं, उनको शाकाहारी कहते हैं। आपने बिल्ली को चूहे या पक्षियों का शिकार करते हुए भी देखा होगा, वह उनको उनका इनका है वो मांस खाती है। जंगली जंतु जैसे कि शेर चीता गिदड़ आदि शाकाहारी हिरण खरगोश आदि का शिकार करते हैं। वे इन्हें मार कर इनका मांस खाती हैं। मांस खाने वाले जो जंतु होते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री के साथ साथ मांस भी खाती हैं। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे कि कौवा भालू आदि है। ये 3 प्रकार के जीव जंतु होती है। एक होते हैं शाकाहारी, जो पेड़ पौधे मतलब वनस्पति खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं। और एक होते हैं सर्वाहारी, जो मांस भी खाते हैं और ये पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह ये सब खाते हैं, वो होती हैं सर्वाहारी। जलीय आवास, जहां आसपास संपूर्ण रूप से जल हो उसे जलीय आवास कहते हैं। इस आवास में रहने वाले पौधे और जंतु जल में ही अपना जीवन यापन करती हैं, जैसे कि मछली और कमल, जो पूर्ण रूप से जल में ही रहती हैं, उन्हें कहते हैं, वो होते हैं जलीय आवास वाले जीव जंतु। स्थलीय आवास, हम जिस आवास में रहती हैं वह स्थलीय आवास है। इस आवास में वायु प्रकाश इत्यादि पर्याप्त मात्रा में होता है। ये आवास वातावरण के आधार पर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जहां बर्फ हो वह सर्दी अधिक रहे उसे शीत आवास कहते हैं। इसी तरह जहाँ जल की कमी हो उसे सूखा या शुष्क आवास कहते हैं। इसी प्रकार जहाँ वातावरण में पर्याप्त जल व अनुकूलन ताप हो उसे सम आवास कहते हैं। हमने सीखा, प्रत्येक जीव जंतु रंग व आकार के आधार पर भिन्न भिन्न होती हैं। उनका रंग रूप आकार ये भिन्न भिन्न होता है प्रत्येक जीव जंतु का। कोई बड़ा है, कोई छोटा है। जो जीव जंतु केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में काम में लेती हैं, वे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे कि गाय भैंस बकरी खरगोश आदि। जो जीव जंतु केवल मांस का ही भोजन करती हैं वे मांसाहारी जीव जंतु कहलाते हैं, जैसे शेर चीता भेड़िया। जो जीव जंतु पेड़ पौधे और मांस दोनों को ही खाती हैं वे होती हैं सर्वाहारी, जैसे कि मनुष्य कोया भालू। और जीव जंतु
जल थल नभ तीन जगह पाए जाते हैं। आवास के आधार पर जीव जंतु अनुकूलित होते हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम अगले कालांश में करेंगे। धन्यवाद।